और अब खबरें विस्तार से देख लेते हैं। तो आज महाशिवरात्रि है, शिव मंदिरों में सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है। हर हर महादेव से शिव मंदिर गुंजयमान है। हर साल फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि पर महाशिवरात्रि का त्यौहार पूरी धूमधाम के साथ मनाया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार फाल्गुन कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि पर ही भगवान भोलेनाथ ने मां पार्वती संग विवाह किया था। सुबह से ही मंदिरों में भक्तों की लंबी लंबी कतार देखने को मिल रही है। वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर में सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है। काशी में भक्तों की भारी भीड़ है। वहीं संगम नगरी प्रयागराज में भी सुबह से भक्तों की कतार शिव मंदिर के बाहर देखने को मिल रही है। बात हरिद्वार की करें तो यहां भी भक्तों का तांता है। शहर कोई भी हो, भोले के भक्त हर हर महादेव में लीन नजर आ रहे हैं। शिव उपासना करने से व्यक्ति के कष्ट दूर होते हैं और हर एक मनोकामना पूरी होती है। प्रयागराज में आज ही माघ मेले का औपचारिक रूप से समापन भी हो जाएगा। तो आज महाशिवरात्रि की धूम है, अलग अलग मंदिरों में भीड़ है और जहां जहां शिवालय हैं, बड़े शिवालय हैं, वहां पर खास तौर पर लोग पूजा अर्चना के लिए पहुंचे हैं। चाहे वो काशी हो, प्रयागराज हो, हर जगह इसी तरह की धूम देखने को मिल रही है। शिवरात्रि पर बाबा भोले की पूजा कर लोग अपने मन की इच्छा की कामना कर रहे हैं, उनसे आशीर्वाद ले रहे हैं। तो आज शिवरात्रि के मौके पर क्या गाजियाबाद हो या फिर आगरा हो, वाराणसी हो, जहां भी शिवालय है वहां पर इसी तरह से भक्तों की लंबी लंबी कतारें सुबह 4 बजे से ही देखने को मिल रही है। आज के दिन में खास तौर पर अगर बाबा भोलेनाथ को जल चढ़ाया जाए, बेलपत्र से उनकी पूजा की जाए, फल फूल चढ़ाया जाए, ऐसे में उनकी पूजा सफल मानी जाती है। और आज लोग मंदिरों में पहुंच रहे हैं, बाबा भोलेनाथ का जलाभिषेक कर रहे हैं। तस्वीरें भी अलग अलग मंदिरों से हम आपको दिखा रहे हैं। आज तड़के सुबह जैसे ही मंदिर के कपाट खुले हैं तब से लोगों का तांता लगा हुआ है। खासतौर पर अगर वाराणसी की बात की जाए, यानी कि भोले की नगरी की बात की जाए, तो आज वहां पर भारी भीड़ देखने को मिल रही है। अगर शिवरात्रि की बात की जाए तो आज के ही दिन माता पार्वती के संग शिव का विवाह हुआ था और आज कई जगह पर झांकी भी निकाली जाती है शिव के बारात के रूप में। तो बम बम भोले की गूंज है, एक बार जरा सुनिए किस तरह से जयकारे गूंज रहे हैं मंदिरों के बाहर। तो आप देख पा रहे हैं किस तरह से जो भक्त हैं वो पहुंच रहे हैं मंदिर। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ की जयकारों के साथ मंदिर में पूजा अर्चना का दौर शुरू हो गया है। भक्त चाहे वो काशी हो, आगरा हो, गाजियाबाद हो, अलग अलग जगहों से पूरे देश भर में इसी तरह से शिवालयों के बाहर आज भारी भीड़ भक्तों की लगी हुई है। और अब हम आपको महाकाल और सोमनाथ की तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। आप समझते हैं ज्योतिर्लिंग है, यहां पर सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है। दूर दराज से लोग पहुंचे हैं, देश के अलग अलग हिस्सों से पहुंचे हैं। महाकाल और सोमनाथ की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर दर्शन के लिए सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है। आज विशेष तौर पर उज्जैन के महाकाल में भगवान की साथ सज्जा की गई है। शिव की बारात आज निकलती है, पार्वती संग उनका ब्याह हुआ था और आज का दिन काफी शुभ माना जाता है। तो जो हमारे दर्शक इस वक्त हमारी टीवी स्क्रीन देख रहे हैं वो बाबा भोलेनाथ के दर्शन कर सकते हैं, उज्जैन के महाकाल के दर्शन कर सकते हैं। शिवरात्रि है, आज के दिन सभी महिलाएं व्रत रखती हैं, पुरुष व्रत रखते हैं। आज हम लोग ये दिन बहुत खुशी से मनाते हैं। आज महाशिवरात्रि है, हर हर महादेव। भगवान ने विष्पान किया था, जब समुद्र मंथन हुआ अमृत की चाह में विष्पान करना पड़ा। इस प्रकार सभी के लिए भगवान शिवरात्रि का जो पर्व है शुभ हो, मंगलमय हो और सुखकारी हो। हमारी प्रार्थना है भगवान गौरी शंकर हमारे देश के, हमारे राज्य के, हमारे गांव के, हमारे सब लोगों के दुख दूर करें, सुख शांति हो और सभी सुख से रहें। और शिवरात्रि पर किस तरह की छटा देखने को मंदिरों में मिल रही है, भक्तों का तांता किस तरह से लगा हुआ है, बम बम भोले के जयकारे किस तरह से लग रहे हैं, इसी पर बातचीत करने के लिए वाराणसी से उपेंद्र द्विवेदी हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रयागराज से सर्वेश दुबे हमारे साथ हैं, अयोध्या से निमिष गोस्वामी और हरिद्वार से पुलकित शुक्ला हमारे साथ हैं। लेकिन सबसे पहले भोले की नगरी वाराणसी का ही रुख करते हैं। उपेंद्र,
आज किस तरह की भीड़ है। आज शिव पार्वती के विवाह का दिन है, शिवरात्रि है, पूरे देश में धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है और वाराणसी तो भोले की नगरी है, तो किस तरह की छटा आज शिवरात्रि के मौके पर वाराणसी में। बिल्कुल देखिए नीलू, कंकर कंकर शंकर की काशी आज सज गई है, संवर गई है, क्योंकि आज भोले की विवाह है और दो दिन से पहले से ही काशी में तो ये विवाह उत्सव शुरू हो जाता है और कहा जाता है कि भस्म छुड़ा के हल्दी लगा देना है बाबा के और अब बाबा के आज ब्याह होत हो, तो ऐसे में कहते हैं कि सानंद मानंद वने वसंतम मानंद कंदम हत पाप वृंदम वाराणसी नाथ मम नाथ मातम श्री विश्वनाथम शरणम प्रपत्ते। और आप श्री विश्वनाथ की काशी की आज आप तस्वीर देखिए कि आपको सब कोई शिव की भक्ति में सराबोर नजर आ रहा होगा और किस तरीके से हर कोई आज भक्त गुनगुनवा रहे हैं। आप लोग जा रहे हैं दर्शन करने, क्या सुना रहे हैं आज तो बाबा का विवाह है, क्या सुनाएंगे? अरे शिव भजन सुना सकते जी जी, हाँ सुनाइए। डिम डिम डमरू बजावे ला हमार जोगिया ओ हमार जोगिया, डिम डिम डमरू बजावे ला हमार जोगिया हमार जोगिया हाय महादेव। और क्या तो भस्म अब छोड़ गल हो बाबा के, भस्म में हल्दी लग गल हो, खेले मसाने में होली दिगंबर, खेले मसाने में होली, खेले मसाने में होली दिगंबर, खेले मसाने में होली ना सजन ना गोरी दिगंबर, खेले मसाने में होली, होली के रसिया की जय। हर हर महादेव, पार्वती पते हर। देखिए शिवरात्रि है उपेंद्र, और आज हल्दी के गीत भी गाए जा रहे हैं, लेकिन अब चूंकि होली भी बहुत दूर नहीं है इसलिए होली के गीत भी गाए जा रहे हैं जो खास तौर पर वाराणसी में गाए जाते हैं। गाजियाबाद से अमित राणा भी हमारे साथ हैं। अमित, आप किस मंदिर में खड़े हैं और वहां पर भक्तों की किस तरह की कतारें लगी हैं? आज बाबा भोलेनाथ से पूजा अर्चना कर आशीर्वाद भी लेना चाहते हैं, तो कितनी संख्या में भक्त पहुंच रहे हैं मंदिरों में? जी बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा आज है महाशिवरात्रि का पावन त्यौहार और शिवालयों में लगी है भक्तों की लंबी लंबी कतार। जहां तक भी आपकी नजर आएगी वहां तक एक लंबी कतार आपको भक्तों की यहां नजर आने वाली है। तमाम वर्ग के लोग यहां आए हुए हैं, कुछ महिला मेरे साथ है जो श्रद्धालु हैं, उनसे जानेंगे, बात करेंगे। मैम कब से लाइन में लगी हुई है? 4 बजे से। 4 बजे से। अच्छा, भोलेनाथ को कैसे पसंद करेंगी भगवान? भोलेनाथ को श्रद्धा से। आप बताइए गुड़िया, कहाँ से आए और कितना टाइम से लगे लाइन में? घंटा घर से आए। अच्छा, किस तरीके से भगवान शिव की पूजा अर्चना करेंगे? हालांकि भोलेनाथ कहा आता है जल भी चढ़ा दोगे तो खुश है। हाँ जी, तो कैसे पूजा करेंगे? भोले बाबा तो अपने सच्चे मन से ही प्रसन्न होते हैं, सच्चे मन से। अच्छा, आपसे जाना चाहूंगा माता जी, आपके चेहरे की मुस्कुराहट बता रही है, कब से आ रहे हैं मंदिर में? 4 बजे से। देख रहा हूँ कि फूल हुई है, दिया भी है सब तरीके से, कैसे भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना करने वाली है? पहले भी आए 2-4 बार जैसे। बिल्कुल, ये श्रद्धालु हैं और आपको बताना चाहूंगा रात 12 बजे से यहाँ लाइन लग गई थी और अभी भी जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां तक सिर्फ और सिर्फ भक्तों की लंबी कतार। 4 बजे से कहते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में जैसे ही कपाट खुलते हैं वैसे ही दर्शन पूजन का दौर शुरू हो जाता है और आज तो महाशिवरात्रि है। हमारे साथ अयोध्या से निमिष गोस्वामी भी जुड़े हुए हैं। निमिष, राम की नगरी में भोलेनाथ का ये महोत्सव, आज तो शादी समारोह है माता पार्वती के साथ, बाबा भोलेनाथ की आज शादी है, इसको लेकर किस तरह से वहां पर भक्त पहुंच रहे हैं मंदिरों में, किस तरह की भीड़ है और क्या आशीर्वाद और मनोकामना के साथ पहुंच रहे हैं? देखिए, भगवान श्री राम की नगरी भगवान भोले के जयकारों से गूंज रही है और भोर 3 बजे से ही यहां पर दर्शन और पूजन का दौर शुरू हुआ है। जिस जगह मौजूद है वो भगवान श्री राम के पुत्र कुश के द्वारा स्थापित नागेश्वरनाथ मंदिर है। सिद्ध पीठ नागेश्वरनाथ पर दर्शन पूजन को लेकर विशेष तैयारी की गई है। आज चूंकि भगवान शिव का विवाह है और माँ पार्वती और भगवान शिव प्रणय सूत्र में बोलेंगे, तो ऐसे में यहाँ तमाम धार्मिक रस्में होंगी और तमाम लोग यहाँ पहुंचे हुए हैं। आप कहाँ से हैं? आप गोंडा से आए। आज भगवान शिवरात्रि है, क्या कहें जी? आज हम लोग भगवान शिवरात्रि के अवसर पर हम लोग यहाँ पर जलाशय करने आए हैं। आज शिव विवाह है, गोंडा से हम लोग चल के यहाँ पर। आप कहाँ? गोंडा से। दर्शन करने के लिए लगे हुए लाइन में, बहुत झगड़ी लगी हुई है, भीड़ बहुत है। आज शिवरात्रि है, क्या मांगे जी? आज के दिन का विशेष महत्व है, आज पूजन का विशेष। हाँ, महत्व तो बहुत है, इसीलिए उतना दूर चलता है। आप कहाँ से? मैंने कपुर गोंडा।
कैसी आज शिवरात्रि के मौके पर कैसी तैयारी है? विशेष बहुत अच्छी तैयारी है, बहुत ही भव्य तैयारी है। निवेश कुछ खास तरह की पूजा अर्चना होगी यहाँ पर, क्योंकि कई जगह पर अश्व की बारात निकाली जाती है, झांकी निकाली जाती है, पूजा पाठ किया जाता है, तो आज कुछ खास व्यवस्था, खास पूजा मंदिरों में? निमिष आवाज आ रही है आपको? जी निमिष, आज कुछ खास तरह की पूजा अर्चना, कोई झांकी वाकी भी निकलने वाली है? क्योंकि आज शिव की बारात कई जगह पर निकलती है, शहर भर में भ्रमण होता है, लोग दर्शन करते हैं, कुछ खास पूजा है आज शिवरात्रि के मौके पर वहां पर? जी बिल्कुल, आज यहां पर विशेष आयोजन किया जाएगा। देर शाम यहां पर भगवान भोलेनाथ नंदी पर सवार होकर पूरे रामनगरी में भ्रमण करेंगे और इसके साथ ही जगह जगह उस बारात का स्वागत होगा। उस बारात पर पुष्प वर्षा होगी और उसके बाद फिर हल्दी की रस्म होगी और फिर देर रात यहाँ पर विवाहिक रस्मों की अदायगी शुरू होगी और पूरी रात भगवान नागेश्वर नाथ मंदिर यानी भगवान श्री राम के पुत्र उसके द्वारा स्थापित सिद्धपीठ पर भगवान भोलेनाथ और माँ पार्वती का विवाह संपन्न कराया जाएगा। पूरी रात भगवान का पट दर्शनार्थ श्रद्धालुओं के लिए खुला रहेगा। जिस तरीके से देखिए, मैं आपको दिखाना चाहूंगा, बैरिकेड करके दो तरीके से ये लाइन है, लोग श्रद्धालु सरयू के घाटों पर दर्शन करके आ रहे हैं और छोटे छोटे संख्या में। बिल्कुल, सरयू के तट पर नहाकर भगवान राम के दर्शन भी हो रहे हैं और आज विशेष पूजा मां शिवरात्रि के मौके पर हो रही है। यहां पर शिव भक्त भी जलाभिषेक कर रहे हैं। हरिद्वार चलते हैं, पुलकित शुक्ला वहां से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पुलकित, वहां पर शिवरात्रि की पूजा किस तरह से हो रही है, मंदिरों में किस तरह की कतारें लगी हुई हैं और भक्त किस कामना के साथ वहां पर पहुंच रहे हैं आज? देखिए, धर्मनगरी हरिद्वार की अगर बात करें तो यहाँ पर शिवालयों में जो है भक्तों की भीड़ लगी हुई है। सुबह 4 बजे से भक्तों की जो कतारें हैं वो शिवालयों में जुटनी शुरू हो गई है और जो भक्त हैं वो लाइनों में लगे हुए हैं, अपने अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। हरिद्वार के कनखल स्थित दक्षेश्वर महादेव मंदिर में मैं मौजूद हूँ और दक्षेश्वर महादेव मंदिर काफी पौराणिक मंदिर है, काफी प्रसिद्ध मंदिर है और यहाँ तस्वीरों में दिखाना चाहूंगा कि किस तरह से जो लंबी कतार है ये श्रद्धालुओं की लगी हुई है और ये जो कतार है ये सुबह 4 बजे से इसी तरह से ये यहाँ पर जारी है। जो लोग है वो एक एक करके अंदर जा रहे हैं और भगवान शिव को जलाभिषेक कर और अपने अपने आराध्य देव को जो है वो प्रसन्न करने का प्रयास कर रहे हैं। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि जो कतार है ये कितनी लंबी है और किस तरह से एक मंदिर में व्यवस्था के लिए इसको एक जिगजैग बनाया गया है यहाँ पर और जो भीड़ है उसको इस तरह से यहाँ पर नियंत्रित किया जा रहा है और जो पूरी भीड़ है वो लगातार बोल बम के जयकारों से यहाँ पर घूमती हुई नजर आ रही है। जो श्रद्धालु है वो लगातार भगवान शिव के जयकारे यहाँ पर लगा रहे हैं और इसी तरह का उत्साह श्रद्धालुओं से बात कर सके तो जरा बात करिए कि क्या मनोकामना लेकर आए हैं, किस तरह से विशेष पूजा आज करेंगे। जी, कुछ श्रद्धालु यहाँ पर मौजूद है, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। जी, कहाँ से आप आए हैं, किस तरह से और किस तरह से यहाँ पर पूजा अर्चना यहाँ पर करने की कोशिश करेंगे? यहाँ हम लोग हर साल आते हैं शिवरात्रि के मौके पे और यहाँ आप खुद ही देख रहे हैं कितना रश है, भीड़ बहुत ज्यादा है। कितनी देर हो गई आपको लाइन में लगी? हम यहाँ 5 बजे आ गए थे। 5 बजे आ गए थे तो 5 बजे कुछ श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचे थे, उसके बाद भी यहाँ पर जो श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला जारी है, कुछ और लोगों से बात करने का प्रयास। आप कब से आए हैं? काफी टाइम से, काफी घंटे हो गए हैं। दिखाई दे रही है और आज दिन भर इसी तरह से शिवालयों में भीड़ उमड़ेगी और अलग अलग जगहों पर शिवालयों में जाकर लोग जल चढ़ाएंगे, बेलपत्र चढ़ाएंगे, भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना करते रहेंगे। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया ये तमाम तस्वीरें हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। आगे भी आप लोगों से बातचीत होती रहेगी।